News 18, India. आइए अब आपको बिहार में न्याय यात्रा की दिलचस्प तस्वीरें दिखाते हैं। इस तस्वीर में बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव गाड़ी चलाते दिख रहे हैं। उनके ठीक बगल में राहुल गांधी बैठे हैं, जबकि पीछे की सीट पर कांग्रेस नेता मीरा कुमार नजर आ रही हैं। ये आप देखिए दिलचस्प तस्वीर, किस तरह से ये लाल रंग की गाड़ी उसको बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव चला रहे हैं, राहुल गांधी बैठे हुए हैं और पीछे आप देखिए मीरा कुमार बैठी नजर आ रही हैं। तो ये एक दिलचस्प तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अब देखिए कि किस तरह से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव आपस में एक दूसरे से बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। न्याय यात्रा के दौरान की ये तस्वीरें हैं और पीछे की सीट पर इस लाल कलर की जीप में बैठी नजर आ रही हैं मीरा कुमार। चंद्रमोहन कुमार हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। चंद्रमोहन, बेहद ही दिलचस्प तस्वीर है सासाराम बिहार की। बिल्कुल, देखिए और आज राहुल गांधी की यात्रा है और इसी यात्रा में शामिल होने के लिए तेजस्वी यादव पहुंचे थे, जहां पर ये तस्वीर देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोगों के बीच में एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि भले ही बिहार में सरकार बदल गई है, तेजस्वी यादव सरकार में नहीं है, लेकिन अभी जो आगे चुनाव होने वाली है उसमें किस तरह की तस्वीर आएगी और क्या आगे जो कार्यकर्ता है उनको मैसेज देना है, इसी को लेकर आज ये तेजस्वी यादव जब पहुंचे थे वहां पर शामिल होने के लिए यात्रा में, तो आगे तेजस्वी यादव जबकि पीछे में खुद राहुल गांधी बैठे हुए हैं और उसके अलावा मीरा कुमार जो लोकसभा की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं वो भी मौजूद हैं और कांग्रेस के तमाम नेता और कार्यकर्ता अभी यहां पर सासाराम में मौजूद हैं। अब से थोड़ी देर बाद उनकी एक सभा भी होनी है और उस सभा में चंद्रमोहन बीजेपी कोई मौका नहीं छोड़ती है। अब ये जो तस्वीर आई है देखने में इतनी दिलचस्प लग रही है, बीच में मीरा कुमार भी नजर आ रही है, कुछ ना कुछ प्रतिक्रियाएं आज दिन में जरूर आएंगी इस तस्वीर को लेकर। बिल्कुल, जाहिर सी बात है जब राहुल गांधी और तेजस्वी यादव एक साथ पहुंचे हैं तो इसको लेकर प्रतिक्रिया आएगी और न सिर्फ सत्ता पक्ष की ओर से बल्कि जो विपक्ष में बैठे हुए लोग हैं, कांग्रेस की लोग हों या फिर ये आरजेडी के लोग हों, इनकी भी प्रतिक्रिया आनी है, लेकिन सीधे तौर पर वार कहीं ना कहीं इन दो नेताओं को लेकर होगा, क्योंकि बीजेपी साफ तौर पर यह कहती रही है कि तेजस्वी जहां जहां राहुल गांधी तब तक यात्रा के दौरान गए हैं, जिस राज्यों में गए हैं वहां पर कुछ न कुछ गठबंधन में खटपट हुआ है और कई जगह तो ऐसा हुआ कि वहां के नेताओं को अपने कांग्रेस पार्टी को छोड़ना पड़ा है, तो ऐसे में इन दोनों नेताओं पर इस बार और आज जो ये एक साथ एक मंच पर नजर आएंगे उसके बाद इन पर वार और पलटवार का दौर भी शुरू होगा राजनीतिक तौर पर। इसी तरह की कुछ तस्वीरें उत्तर प्रदेश के दौरान भी आई थी जब अखिलेश यादव और राहुल गांधी एक साथ थे तो दो लड़के जो हैं वो निकले हैं, ऐसा उत्तर प्रदेश में तस्वीरें आई थी। अब इस तरह की तस्वीर यहाँ आई है और आप बता रहे हैं कि जैसे जैसे न्याय यात्रा आगे बढ़ रही है, बिहार पहुंचे राहुल गांधी, उससे पहले बिहार में क्या हो गया, वहां एक बड़ा खेला हो गया, हालांकि खेला होगा ये तेजस्वी यादव की तरफ से कहा जा रहा था। ये जरूर कहा गया कि तेजस्वी यादव के तरफ जब वो सरकार में थे और सरकार से हटे कि अभी 12 तारीख को खेला होना बाकी है, जब नीतीश कुमार को अपनी बिहार विधानसभा के अंदर में बहुमत साबित करना था, लेकिन उन्हीं के पार्टी में खेला हो गया और गठबंधन, जिस महागठबंधन को आगे बढ़ाने की बात नीतीश कुमार ने किया था, राहुल गांधी के आने से पहले वो गठबंधन टूट गया। तो राहुल गांधी जिन जिन राज्यों में गए हैं वहां पर कुछ न कुछ उस गठबंधन में खटपट देखने को मिला है, ऐसे में राहुल गांधी के बिहार आने से पहले उनका महागठबंधन टूट गया, तो अब सीधे तौर पर वार राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के ऊपर होगा आज जब ये एक साथ एक मंच पर नजर आएंगे, एक जगह यात्रा करते हुए नजर आएंगे, तो जरूर वो सत्ता पक्ष के निशाने पर होंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट, इस जानकारी के लिए आपका चंद्रमोहन कुमार।